हेलो स्टूडेंट्स तो हमने जैसे फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर स्टडी किया था और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट स्टडी की थी अब हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स की बात अगर हम करते हैं तो देखिए स्फेरिकल मिरर एक्चुअल में क्या है इज़ अ पार्ट ऑफ ए होलोसफियर इफ इट्स आउटर सर्फेस इज रिफ्लैक्टिंग इट इज कॉल्ड ए कन्वेक्सर कन्वेक्स मीर एंड इट्स इनर सर्फेस इज रिफ्लैक्टिंग इट इज कॉल्ड कनकेव मीर ये देखिए ये एक स्पियर है अगर हम क्या करते हैं इसका दिस वन पार्ट एक तो ये वाला पार्ट दिस इज रिफ्लैक्टिंग सर्फेस और एक क्या हो सकता है दिस वन पार्ट दिस कैन भी रिफ्लैक्टिंग तो क्या होगा जब आपका क्या है आउटर सरफेस इज़ रिफ्लेक्टिंग यानी दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे दिस इज कन्वेक्स मिरर एंड इफ दिस वन यानी दिस वन पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग तो इसको हम क्या बोलेंगे कनकेव मिरर आपको याद रखना है दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर द स सर्फेस ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लैक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल इट्स अपर्चर जो ये वाला सर्फेस है या फिर ये वाला सरफेस है इसे हम क्या बोलते हैं अपर्चर सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर ऑफ विच सफेरिकल मीर इज़ ए पार्ट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जिस इस सरफेस का ये जो सेंटर है तो यही सेंटर इसके लिए हमारा सेंटर कहाँ आएगा अप्रोक्सीमेट आपका यहाँ आएगा तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी अगर इस कर्नविकव की बात करूँ तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट देखिए रेडियस ऑफ द स्वीयर इज कल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी दिस लाइन यहाँ से यहाँ तक दिस इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट कम टू द ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्वीयर एंड इंटरसेक्टिंग द मिरर सर्फेस इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल एक्सिस इस सेंटर से जाती हुई और यहाँ से ये सीधी लाइन जो जा रही है दिस वन लाइन दिस इज नॉन एज आपको क्या बोल रहा है इसको ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्वीयर इंटरसेक्टिंग दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द मिरर इज कॉल्ड एज ए पोल ये लाइन जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है दिस इज नॉन एज पी और पोल ऑफ द मिरर द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेर द इंसिडेंट रे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्स और अपियर्स टू डाइवर्स फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस देखिए अगर कुछ लाइने सीधी जा रही है लाइक like दिस तो क्या होंगी वो जिस प्वाइंट से होकर गुजरेंगी ये देखिए वो जिस प्वाइंट से होकर गुजरेंगी, गुजरेंगी आपकी ये देखिए दिस वन पॉइंट दिस इज़ नॉन एज फोकस अब इस केस में क्या होगा जो डायरेक्ट आपकी लाइन्स आएंगी स्ट्रेट लाइन्स जो आएँगी हमारा फोकस कहाँ होगा इधर होगा तो क्या होगा इधर आपको डॉट डॉट करके दिखाना है इस तरीके से और ये क्या होंगी इससे आती हुई दिखाई दे रही है कि फोकस से आ रही है एरो आपका ऐसे लगेगा दिस इज इंसीडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे दिस इज इंसीडेंट दिस इज रिफ्लेक्टेड सेम लाइक दिस ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आती है दिखाई दे रही है फोकस से तो देखिए कन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है ऐसा लग रहा है कि ये रेज आ रही हैं और फैलती जा रही हैं सो so इसको क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर यानी डाइवर्स हो रही हैं फैल रही हैं जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है सारी जो आपकी रेज है वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है तो ये कैसा है कन्वर्जिंग इसी ने यही बात कहा है देखो पैरल टू द प्रिंसिपल कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कार द प्रिंसिपल फोकस और फोकस ऑफ द मिरर तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं एफ़ यानी प्रिंसिपल फोकस या फोकस ऑफ द मिरर डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ये जो डिस्टेंस है इस एफ़ से लेकर और पी तक का डिस्टेंस है यानी पी एफ कह सकते हो आप इसको क्या बोलेंगे हम फोकल लेंथ ऑफ मिरर यहाँ पे जो ये है पी आपका पी से लेकर और इस एफ की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए सी हमारा क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर आर क्या था ये दिस वॉज ए पॉइंट और आर क्या था हमारा एक डिस्टेंस था सी से और सी पी कह सकते हो आप सी पी हमारा आर के बराबर था और अब हमारे पास क्या है पी एफ है तो आर बराबर क्या होता हमारा टू इंटू एफ एफ अगर मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा आर बाय टू ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस की आधी होती है या फिर आप कह सकते हो रेडियस जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है नेक्स्ट आता है रे ट्रेसिंग करते हैं कि कहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी किस तरीके से इमेज बनेगी इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग ऑफ ए रे एज इट रिफ्लेक्ट्स और रिफ्लैक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट देखिए कैसे ए रे गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ करवेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन अगर सी पॉइंट से कोई रे जाती है ये देखिए ये सी से जा रही है तो सी से ही वापस आ जाएगी इस तरीके से इसमें है यहाँ पे जाएगी ऑल दो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेकिन ये डॉटरी डोटरी लगाने का यही मकसद है कि इसको जाना तो सी से था तो हम इसको ऐसे ही बैक दिखाएंगे उसकी बिल्कुल सीध में ले जाकर नेक्स्ट रे हमारी कौन सी है देखिए ए रे पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस एंड वाइस वर्सा अगर पैरल जाती है तो फोकस से आएगी इसी तरीके से इसमें देखिए ये आपकी सीधी गई और फोकस से आती हुई नज़र आ रही है लेकिन इधर वापस चली गई रे गोइंग टू द पोल एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम इट मेक इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस पोल से अगर टकराती है तो देखिए उसी एंगल पे वापस आ जाएगी सेम हेयर है आपकी पी से टकराई और उसी एंगल से आई और आर आपका जो होगा वो सेम रहेगा दिस इज आर ठीक है दिस इज आपका ये आपका क्या होगा देखिए आपका आर जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप स्पीयर के बीच में कहीं पर भी अगर आप डालते हो कोई लाइन तो वो क्या हो जाएगी एज ए नॉर्मल दीज आर द रूल्स फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स अब हम इमेजेस देखेंगे कनकेव मिरर की इमेजेस किस तरीके से बनेंगी सबसे पहली चीज़ है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब मिरर की इमेज कैसे बनेगी इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट है तो देखिए आप ये आपने बनाया कन्केव केस में क्या होगा ये आपकी रेज आएंगी इन्फिनी से यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपका फोकस है ये आपका सी है तो सारी रेज कहाँ से वापस आएंगी आपके फोकस पॉइंट से आएंगी यानी आपकी इमेज कहाँ बनी फोकस पर यानी एट इनफिनिटी अगर कोई चीज़ थी लाइक सन है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी फोकस पर बनेगी आपके साइज़ देख सकते हो बिल्कुल छोटा साइज़ है बिंदु डॉट साइज़ की बनेगी यानी और दूसरी चीज़ रियल होगी और पॉइंट साइज होगी नेक्स्ट आता है अगर बिटवीन इन्फिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है इधर इन्फिनिटी था यह आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उस केस में क्या होगा ध्यान से देखिएगा ये आपकी एक रे आई मिरर से टकराई वापस कहाँ से आ गई फोकस से दूसरी रे देखिए सी से गई और सी से ही वापस चली गई और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही करिए दोनों रेज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ बनेगी आपकी इमेज और कहाँ बन रही है सी और एफ़ के बीच में बिटवीन एफ एंड सी रियल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और इन्वर्टेड देखिए जब आप इसकी रे इस तरीके से मिलती है तो वो इमेज रियल मानी जाएगी इस ये बड़ा ऑब्जेक्ट था ये छोटी बन रही है इन्वर्टेड यानी नीचे की तरफ बन रही है नेक्स्ट है अगर सी पर कोई ऑब्जेक्ट है सी पर देखिए ये सी पर रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक लाइन सीधी गई तो आपकी ऐप से वापस आई ये भी इसी तरीके से अगर ऐप से जाती है तो वो क्या हो जाती है बिल्कुल सीधी हो जाती है पैरेलल हो जाती है तो कहाँ मिल रही है दोनों जो रेज हैं वो यहाँ आकर मैच मिल रही हैं तो दिस विल बी द पॉइंट वेर द इमेज विल बी फॉर्म्ड और ये इमेज का साइज़ देखिए सेम साइज़ है यानी अगर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी रियल होगी सेम साइज़ की होगी और इन्वर्टेड होगी ये नीचे की तरफ बन रही है तो इट इज़ इन्वर्टेड सेम साइज़ है नेक्स्ट देखिए अगर बिटवीन सी और एफ है ये आपका सी है ये एफ है इसके बीच में आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है एक तो वही आपकी सीधी जाएगी और एफ से वापस आएगी दूसरी आप क्या मानोगे कि सी से गई और सी से ही वापस आ गई तो ये देखिए यहाँ आकर मिल रही है तो क्या होगा सी और एफ वाली सी से परे यानी रियल इन्वर्टिड और एन लाज और इन्वर्टेड बिटवीन सी एंड इन्फिटी आपकी बनेगी सी और इन्फिनीटी के बीच में यानी सी से भी आगे जाकर बनेगी रियल होगी एंड बड़ी है एंड का मतलब इन्वर्टेड यानी नीचे की तरफ ही है नेक्स्ट आपकी जो पोजीशन है वो देखिए अगर फोकस पर कोई चीज़ है जब इन्फिनीटी पे था तो फोकस पे बन रही थी अब इन्फिनी पे है तो कहाँ बनेगा फोकस पर आपका फोकस है फोकस पर है तो ये देखिए एक तो सीधी सी से गई सी से आ गई एक आपकी ये सीधी गई तो फोकस से वापस आई तो इनको देखिए ये मिलती हुई नज़र ही नहीं आ रही कहीं इट मीन्स कहाँ बनेगा इन्फिनीटी पे बनेगा रियल होगा और आपका दूसरा वो इन्फेनेटली लार्ज होगा और इन्वर्टेड होगा रियल भी हो सकता है या वर्चुअल भी हो सकता है क्यों हो सकता है रियल और वर्चुअल क्योंकि हमें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही नेक्स्ट आता है बिटवीन द पोल एंड द एफ ये पी था ये एफ था इसके बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इसके बीच में रखा एक तो आपकी इस तरीके से सीधी गई फोकस से वापस आ गई दूसरी आपकी क्या है सी से जा रही है और सी से ही वापस आ रही है उसके इसमें ये कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको इनको बैक इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पर यह देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन लगाने का मतलब क्या है कि हमारी एग्जैक्ट जिस तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ नहीं मिलेंगी कहाँ मिल रही है बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर मिलेंगी इसलिए जब बिहाइंड द मिरर कोई रेज मिलती है तो कैसी इमेज बनेगी वर्चुअल होगी अब बड़ी बन रही है उससे तो लार्ज है दूसरा इरेक्ट नीचे की तरफ होती है तो इन्वर्टेड होती है यहाँ होती है तो इन्वर्टेड ऊपर है तो इरेक्ट तो ये आपका प्योर एफ के केस में होगा कि आपकी ओनली यही केस है जिसमें इरेक्ट इमेज बन रही है और वर्चुअल बन रही है और सभी के केस में आपकी रियल और इन्वर्टेड बन रही थी तो ये था इमेज फॉर्मड बाय द आपका कौन सा मिरर है ये कन्केव मिरर नेक्स्ट आता है कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा देखिए कन्वेक्स मिरर का आपका सी एफ दोनों क्या थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दूसरी तरफ से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था जबकि आपके जो सी एफ़ पी ये दोनों इस तरफ थे तो इसीलिए इसकी पोजीशंस होंगी नीवो सी और एफ वाली सिर्फ दो ही पोजीशन बनती है एक इन्फिनिटी वाली एक इन्फिनिटी और पी के बीच में आप कहीं भी रख लीजिए तो दोनों पोजीशंस में देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल इन्फिटी और पोल के बीच में आपने रखा एक आपकी पैरल जाती है जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरल रह गई और आपकी फोकस से आती हुई नज़र आ रही है लेकिन फोकस से नहीं जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इस तरफ है और ये डाइवर्जिंग उस तरफ चली जाएगी सेम दूसरी आपकी हम क्या मानेंगे कि सी से जाएगी और आपके सी से ही वापस आ रही है तो ये कहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है आपकी यहाँ कहीं मिल रही है मिलती हुई सिर्फ दिखाई दे रही है मिल नहीं रही है ऐसी इमेज को हम वर्चुअल बोलेंगे छोटी है स्मॉलर है और आपकी कैसी है इरेक्ट है ऊपर की तरफ बन रही है तो इरेक्ट इसके इसमें दोनों ही आपकी वर्चुअल बनेंगी दोनों ही आपकी कैसी बनेंगी इरेक्ट बनेंगी ये इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है उस केस में क्या होगा सारी फोकस पे आती हुई दिखाई देंगी डाइवर्जिंग है इमेज कहाँ बनेगी फोकस पे वर्चुअल होगी तो देखिए जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कैसी बन रही थी हमारी वर्चुअल एंड पॉइंट साइज्ड यहाँ पे आपकी पॉइंट साइज बनी है तो ये दो ही पोजीशंस बनती हैं कन्वेक्स मिरर में दोनों में ही वर्चुअल बनता है जबकि आपके कनकेव में एक ही पोजीशन ऐसी थी जिसमें वर्चुअल बन रहा था एनलार्ज लार्ज बन रहा था और एक इस केस में क्या है दोनों ही वर्चुअल हैं नेक्स्ट आता है हमारा यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर सबसे पहले कनकेव मिरर के यूज देख लेते हैं द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टेबल लैम्प एक्टर्स कनकेव मिरर्स दिस हेल्प टू डायरेक्ट लाइट इन ए गिवन एरिया पर्टिकुलर एरिया में लाइट गिरती है तो जो टेबल लैम्प है वो कंसनट्रेट करने के लिए होता है लाइट को नेक्स्ट आता है आपका सेविंग मिरर्स आर मेड स्लाइटली कनक द गिव्स द एंड लार्ज डिरेक्ट इमेज ऑफ फेस जिससे जो फेस है उसकी इरेक्ट और बड़ी इमेज दिखाई देती है वेन द फेस इज कैप्ट क्लोजर देन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिररर ए वर्चुअल इरेक्ट एंड एन लार्ज इमेज इस फॉर्म देखिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा वरना तो उल्टी इमेज दिखाई देगी आपकी इन्वर्टेड आपको कहाँ लाना पड़ेगा उसको प्रिंसिपल फोकस और आपके जो पी था उसके बीच में लाना पड़ेगा तभी आपकी वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देगी द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिररर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स जो डेंटिस्ट हैं वो भी क्या यूज़ करते हैं कनकेव मिररर यूज करते हैं सन्स रेज आर फोकस्ड बाई लार्ज कनकेव मिरर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी हीटेड अगर कोई चीज़ गर्म करनी है तो सन की रेज को भी हम कनकेव मिररर की हेल्प से फोकस करते हैं दस कनकेव मिररर प्ले वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी नेक्स्ट आता है कनकेव कन्वेक्स मिरर्स दे आर यूज इन ऑटोमोबाइल्स एज रियर व्यू मिररर बिकॉज ऑफ टू रीजन जो आपके ऑटोमोबाइल हैं उसके जो सामने वाले दो साइड के वाले शीशे होते हैं उनकी जगह इनको यूज़ किया जाता है क्यों कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसन एक तो सीधी इमेज आएगी जो व्हीकल्स हैं वो सीधे दिखाई देंगे दूसरा इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज सो दैट इट गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू जो इमेज है वो थोड़ी छोटी होती है तो इसलिए क्या देगा बड़ा व्यू दूर तक के आपके व्हीकल्स आपको दिखाई देंगे सो दिस वॉज द आपका कन्वेक्स मिररर में यूज़ कन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं और कनकेव मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं थैंक यू